जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस यहाँ मेरा नाम है कीरज चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। अभी जो है चैप्टर नंबर 43 चल रहा है। आज हम पार्ट टू करेंगे जो कि है वन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे है इंडेक्स, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 43। अभी जो है पार्ट वन हम उसका कर चुके हैं, पार्ट टू अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी का आगे का पार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। और गाइस आगे के भी चैप्टर आप देख सकते हैं कि हमें और कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर से। तो यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है सेल्वा वनों की विशेषताएं क्या है। यहाँ पे चौड़ी पत्ती सदाबहार, तो इसे लिखा है ब्राज़ील में अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को हम क्या बोलते हैं, सेल्वा या फिर सेल्वास वन बोलते हैं। और ये वन विषुवत रेखा में स्थित होते हैं और यहाँ जो है वर्ष भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वर्षा अच्छी खासी होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो इसी कारण ये जो वन होते हैं घने होते हैं और इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, चौड़ी होती है। ये सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें लिखा है एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई है 400 मीटर। तो गाइस इसमें क्या लिखा है, महीने लिखे हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। यहाँ पे लिखा है औसतन अधिकतम तापमान जो है 31, 31, 31, 30, 30, 31 ऑलमोस्ट एक बराबर है। तो गाइस एक बराबर टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट एक बराबर ही आपको विषुवत रेखा के आसपास मिलेगा, ठीक है। वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता नहीं है। न्यूनतम तापमान इसने बोला ये रहा, तो जब आप इसका तापांतर भी देखेंगे ना तो आपको एक बराबर ही दिखेगा पूरे साल भर, ज़्यादा चेंज आता नहीं है। और अब वर्षा की बात करें मिलीमीटर में, तो गाइस देखिए लिखा 5185। और देखिए ज़्यादा वर्षा लिखी है यहाँ पे, ज़्यादा वर्षा आपको कहाँ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो इसने लिखा है यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि ये वन कौन से होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो समझाया जाए। तो इसमें लिखा है विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। इसने कहा विश्व में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो हम जानते हैं शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन, शंकुधारी वन, ठीक है। तो इसने कहा कौन से है, शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में है। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, आपको उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं। चलिए तो इसमें लिखा है निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 70% भाग वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। तो भाई संवैधानिक प्रावधान तो है लेकिन 60% के का है आपका कहाँ पे, भूटान में है। तो भूटान सरकार ने ऐसा कुछ किया, तो भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% बोल दिया इन्होंने। तो इतने भाग पर वन बनाए रखने के लिए क्या है, एक संवैधानिक प्रावधान है। अभी अगर हम भूटान की बात करें तो 72.5% भूभाग पर यहाँ पे वन है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कनाडा में नहीं, फ्रांस में नहीं, ब्राज़ील में अमेजन बेसिन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार विषुवत रेखा से अगर आप देखें तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलेगा। ये बहुत घने होते हैं। तीन बृहत्तम क्षेत्र अगर हम इसकी बात करें तो अमेजन बेसिन हो गया, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना एंड सूरीनाम। वहीं अगर हम कॉन्गो बेसिन की बात करें जो कि अफ्रीका में है, तो कॉन्गो गणतंत्र कैमरून हो गया, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र गैबनन हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, विषुवत रेखा के आसपास मिलते हैं। निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, कॉन्गो घाटी में। टैगा वन की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है, समशीतोष्ण क्षेत्र की, मतलब टैगा वन कहाँ मिलते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसे ना शीतोष्ण कोटधारी वन बायोम को ही हम टैगा वन बायोम भी कहते हैं। ये बायोम शीतोष्ण बायोम का सबसे उत्तरी बायोम होता है, जिसे हम टैगा बायोम भी कहते हैं। विश्व के सबसे बड़े और घने वन है कौन, कहाँ पे गए, ब्राज़ील में। तो अमेजन बेसिन के अंतर्गत ब्राज़ील के वर्षा वन विश्व के सबसे बड़े और घने वन है, जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का कितना 40% भाग में विस्तृत हैं। फिर इसमें लिखा है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो इन सब में जो हमारा आंसर है वो है जापान, जापान में सबसे ज़्यादा है
तो जापान में इसमें लिखा है कि 68.5% पे, इंडोनेशिया 49%, भारत 23% एंड चीन 22% पे। कोटधारी वन नहीं पाए जाते हैं तो गाइस अमेजोनिया यानी कि ब्राज़ील में नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ गर्मी रहती है। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ ठंड होगी, तो कनाडा में है, स्कैंडिनेविया में है एंड फिनलैंड में है। ठीक है, तो अब लिखा है शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में, ठंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर लिखा है अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन उषाद्र वन पाए जाते हैं? जिम्बाब्वे, केन्या, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे है आपका? गिनी खाड़ी तट पर अवस्थित है। तो गिनी खाड़ी जब आप ऐसे करके बनाते हैं गाइस अफ्रीका, तो यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वनों का निर्वृक्षण यानी कि वनों को काट दिया जाए तो उत्पादी उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं। ठीक है, मतलब हम खेती कर सकते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। गलत। कैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को अगर काट दिया जाए तो वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, यहाँ पे गहन कृषि नहीं की जा पाएगी। ठीक है, तो पहला तो गलत। अब इसलिए लिखा है शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है, तो कैसे इससे ज़्यादा शीतोष्ण वनों की होती है। बिल्कुल सही। तो आंसर है हमारा पहला गलत दूसरा सही, मतलब पहला गलत है ए गलत आर सही। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के स्थान पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का निर्वृक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं। मध्य अक्षांशीय भागों में जैसे कि यूरोप या अमेरिका में स्थित इन वनों का निर्वृक्षण कर कृषि फार्मों का तेजी से विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ए तो हो गया गलत, मतलब ए में बोला था इसके लिए, बट आंसर क्या होना चाहिए? इसके लिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता अन्य सभी वनों से अधिक होती है। ठीक है, यदि ये जो है आपकी शीतोष्ण वनों से भी अधिक होती है। लिखा है यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसका प्रमुख कारण वर्षा वन में मृदा में पोषक तत्वों का अभाव है। इमारती लकड़ी और देश बता रखे हैं। चलिए आंसर देखिए। तो गाइस देवदार की बात करें तो आपको कनाडा में मिलेगा, डगलस फर मैक्सिको में मिलेगा, महोगनी होंडुरास में मिलेगा एंड सागोन म्यांमार में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है वन बता रखे हैं और इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो मानसूनी वन में गाइस आपको मिल जाएगा सागोन और साखू। विषुवत रेखीय में आपको मिल जाएगा महोगनी एंड रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में आपको मिल जाएगा गाइस क्या है लिखा है, आलू बुखारा, पल्म और जैतून। और कोटधारी वन में आपको मिल जाएगा चीड़ और फर। क्या देखिए, हमने सही बताया? बिल्कुल सही बताया, देख लीजिएगा। अब लिखा है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी, लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो गाइस वैसे बात करें तो उत्पादक सबसे बड़ा कौन कौन है? यूएसए। लेकिन निर्यातक की अगर बात करें तो वो है आपका ब्राज़ील। ठीक है, अब प्रश्न का टाइम जब था तो कनाडा होगा, लेकिन इसने कहा कि FAO ईयरबुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2018 के अनुसार 2018 में इतने हजार मीट्रिक टन उत्पादन के साथ यूएसए फर्स्ट नंबर पे है लुगदी उत्पादन में। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक देश है? तो वो है भारत। तो ईयरबुक सॉरी FAO ईयरबुक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2018 के अनुसार भारत विश्व का 66th ईंधन काठ उत्पादक देश है, जबकि चाइना सेकंड नंबर पे है और ब्राज़ील थर्ड नंबर पे है। नाउ इसमें लिखा है डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो किससे गए? शीशम से। तो डेल बर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से लेकर 600 जातियाँ होती हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जातियों में शीशम, किंगवुड, ट्यूलिप वुड और मनीबुश आते हैं। तो इसने कहा शीशम या जो रोज़वुड होती है उसकी महक गुलाब की तरह होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोज़वुड बोलते हैं। अब इसने कहा मरुस्थल क्षेत्र में जल हराश को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्ण रूपांतरण होता है, मतलब उसकी पत्तियाँ कैसे बदल जाती हैं अगर हमें जल के हराश को रोकना है पौधे में? तो देखिए, तो पत्तियाँ कठोर मोमी पर्ण हो जाती हैं और ये क्या है, लघु छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती है, पर्ण की जगह क्या हो जाते हैं, कांटे हो जाते हैं।
मतलब पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, मोमी मतलब मोम की तरह वैक्स की तरह हो जाती हैं, उसमें पत्ती भी नहीं होती, कभी कभी कांटे ही होते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मरुस्थलीय वनस्पतियों में उच्च ताप और शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। ऐसी वनस्पतियों को हम क्या बोलते हैं, मरुद्भिद बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर उगने वाले पौधे गर्म और शुष्क जलवायु के साथ समायोजन करने के लिए कई उपाय करते हैं। अब यहाँ पौधे करते क्या हैं, तो जैसे कहा मरुस्थलीय वनस्पतियों की जड़ें क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं ताकि वो बहुत गहराई तक जा सके नमी को सोखने के लिए। जो तने की छाल है वो मोटी हो जाती हैं। पत्तियाँ या तो होती ही नहीं हैं, अगर होती हैं तो छोटी छोटी मोमी यानी कि वैक्सी होती हैं, या फिर मोटी होती है, या फिर छोटे छोटे कांटे होते हैं इन पे। और जो रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि रोम छिद्रों से क्या होता है, वाष्पीकरण, ताकि उससे वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए इसीलिए। अब वनस्पति और उसके क्षेत्र लिखें, चलिए आइए डायरेक्ट देखते हैं। तो इसमें लिखा है मक्ची, मक्ची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मिलेगी। फिर है फिम्बस जो है दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा। चैपरेल जो है कैलिफोर्निया यूएसए में मिलेगा। मेटोरेल जो है आपका चिली साउथ अमेरिका में मिलेगा। फिर वही है प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। तो गाइस देखिए प्राकृतिक वनस्पति में इसमें लिखा है अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलेगा। बबूल आपको सहारा रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। एंड बेओबाब जो है आपको सवाना में मिल जाएगा। एंड देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिल जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो गया चैप्टर ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो।